नमस्कार दोस्तों, केपी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ राजा रहता हूं और आप देख रहे हैं केपी न्यूज 24 आवाज जनता। किस बात की बड़ी खबर रीवा जिले से। रीवा जिले के ग्राम पंचायत देवगांव कला के सरपंच व सचिव भैया जी द्वारा किए गए व्यापक भ्रष्टाचार के खिलाफ ग्रामीणों ने मीडिया से लगाई गुहार। जी हां, आपको बता दें कि ये खबर रीवा जिले के सिमरिया विधानसभा क्षेत्र ग्राम पंचायत देवगांव कला से है। सरपंच और सचिव कई समस्याओं के विरोध को लेकर संघर्ष की मिसाल कहते जाने वाले निर्भक निडर जनता पंचायत के सामने अनिश्चितकालीन धरना में बैठने का संकल्प लिया। सरपंच और सचिव के द्वारा गरीब लोगों को किसी भी प्रकार की योजनाओं का लाभ नहीं दिया गया। यहां तक कि गरीब लोगों को इस पंचायत कला में एक भी प्रधानमंत्री आवास योजनाओं व अन्य योजनाओं का लाभ नहीं दिया गया। पंचायत देवगांव कला में जो भी कार्य आता है वह भी काम अधूरे पड़े रह जाते हैं। ग्राम पंचायत के सरपंच व सचिव के तानाशाही रवैये के कारण विज्ञान 5 वर्षों के शासन की योजनाओं के लिए भी मोहताज होना पड़ रहा है। जबकि सरपंच व सचिव भैया जी ने आपसी तालमेल बनाकर शासन की राशि को नाजायज रूप से पेलम पेल आरहित करते हुए स्वयं अपने परिजनों के विकल्प कार्य में लगा रहे हैं। कुल मिलाकर सरपंच व सचिव के कार्य प्रणाली में स्पष्ट हो रहा है कि अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। उपभोक्ताओं समस्या को लेकर ग्रामीणों ने शासन प्रशासन के कई बार आवेदन के मध्य से निवेदन करते हुए ध्यान आकर्षित कराया, लेकिन शासन प्रशासन के समक्ष अधिकारियों के कान भी नहीं गूंजे। लेकिन और हर बार ग्रामीणों को निराश हुआ तहस होना पड़ रहा है। निदान हेतु देवगांव कला पंचायत भवन के सामने विज्ञान 3 दिवस के बाद धरना प्रदर्शन करने का निर्णय लिया गया। ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि जब तक पंचायत की विकास कार्यों की उचित स्तरीय जांच नहीं होती, वह कोई प्रशासनिक समक्ष अधिकारी धरना स्थल पर नहीं पहुंचते थे और ग्राम पंचायत देवगांव कला की आम जनता को न्याय दिलवाने तब तक यह धरना खत्म नहीं होगी जब तक ग्राम पंचायत के हुए समस्त भ्रष्टाचार की जांच प्रशासनिक समक्ष व उचित अधिकारियों की उपस्थिति में कार्रवाई नहीं की जाएगी, तब तक धरना प्रदर्शन समाप्त नहीं होगा। मटेरियल क्या कलर आप देखे हैं इसमें? हम देखे ना, खाली बारू लगी है जंगल के बाली। अच्छा, गिट्टी मिला के पूरा दिन गई है। इसके बाद जो 150 रुपये वाली सीमेंट मिल रही है उसको लिया यहाँ बना के फुर्सत करते हैं। तराई है ना कुछ है, खाली पहरा भर बिछाए हैं। मतलब मटेरियल बराबर लगा नहीं है? मटेरियल भी बराबर नहीं। चलिए ठीक।